हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं पोलार जेनिटल हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रतिकूल कैसे ड्रॉ किया जाता है ग्राफिकल मेथड के सहायता से। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ड्रॉ द रेटिकुलर ऑफ पोलार जेनिटल हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन विद स्केल 1:150,000,000 एंड इंटरवल 15 डिग्री। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा। देखिए आर का वैल्यू निकालना है। आर का मतलब है रेडियस ऑफ द रेडियस आर्थ। तो आर का फॉर्मूला क्या है, रेडियस ऑफ द एक्चुअल आर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द गिवन स्केल। तो कि एक्चुअल आर्थ का वैल्यू कितना है, 65,000,000 और गिवन स्केल जो कि क्वेश्चन में है, तो दोनों को डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आया, 4.23 सेंटीमीटर, जो कि हम लोगों को रेडियस मिल गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 4.23 जो हम लोग को रेडियस मिला है उस रेडियस के सहायता से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। स्केल में हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे 4.23 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, फिर सर्कल के बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे, ये हो गया इक्वेटर, और इस तरफ लाइन खींचेंगे, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, फिर ऊपर एक लाइन खींचेंगे। अभी क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की सहायता से जो कि हम लोग का इंटरवल है 15 डिग्री, तो 15 डिग्री करके डिवाइड करेंगे यहाँ से 15 डिग्री, 30, 45, उसके बाद 60, 75, 90, ऐसे डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, अभी इस सेंटर ये जो देख रहे हैं इस सेंटर से हम लोग लाइन खींचेंगे 15 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 75 डिग्री का सेंटर तक। ये हो गया 15 डिग्री करके डिवाइड। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ से ये 0 डिग्री हो गया, लाइन खींचेंगे ऊपर की तरफ, इसको इधर रखेंगे, ये यहाँ से 0 डिग्री का एक लाइन खींचेंगे। फिर इसके बाद 15 डिग्री के लिए एक लाइन खींचेंगे, फिर 30 डिग्री के लिए लाइन खींचेंगे, और ये लाइन को ऊपर में टच करना पड़ेगा। 45 के लिए हो गया, 60 के लिए हो गया, और 75 डिग्री के भी हो गया, और 90 डिग्री का ये बना हुआ है। तो ये देखिए, ये हम लोगों का स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ये पोलार जेनिटल हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन का ग्रेटिकुल बना हुआ है। तो ये कैसे बना है अभी हम आपको बताएंगे। जो स्टेप 2 में हम लोग किया था इसको, ये देखिए, यहाँ से पहले हम निडल पॉइंट को 90 डिग्री में रखेंगे, और यहाँ पे 0 डिग्री, ये 0 डिग्री का हम लोग पहला एक रेडियस लेंगे, ये हो गया 0 डिग्री का रेडियस। तो क्या करेंगे, यहाँ से ये 0 डिग्री का एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे, बन गया 0 डिग्री का। ठीक इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 15 डिग्री के लिए भी पैरेलल बनाएंगे, ये 15 डिग्री का रेडियस बन गया। फिर 15 डिग्री के लिए हम लोग बनाएंगे, फिर ऐसे ही हम लोग 30 डिग्री के लिए भी बनाएंगे, ये बन गया 30 डिग्री का पैरेलल। इसी तरह हम लोग 90 डिग्री तक पैरेलल बनाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री एक दो रहेगा, ये 90 डिग्री, तो ये पैरेलल बन गया है। अभी क्या करेंगे, मेरिडियन के लिए मेरिडियन बनाएंगे। तो मेरिडियन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, जो कि हम लोग का इंटरवल कितना है 15 डिग्री, तो प्रोटेक्टर को इस लाइन में रखेंगे, और सर्कल के चारों तरफ 15 डिग्री करके डिवाइड कर देंगे, इस तरफ भी 15 डिग्री करके, और इस तरफ भी 15 डिग्री करके डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस सेंटर से जो 15 डिग्री हम लोग डिवाइड किए हैं ना, उस सब को जोड़ देंगे, सब लाइन को जोड़ देंगे, और पूरा जोड़ने के बाद हम लोगों का मेरिडियन कंप्लीट ऐसे ही बन जाएगा। तो ये देखिए ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन हम मैंने बताया इसको कैसे बनाता है। तो ये तो बन गया पोलार जेनिटल हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन का ग्रेटिकुल। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ 0 डिग्री लिखेंगे, ये 15 डिग्री का मेरिडियन, ये हो गया 30 डिग्री का, लिखते जाएंगे 90 अप टू 180, इधर इस तरफ, फिर इसके बाद 15 डिग्री करके लिखते जाएंगे अप टू 180 डिग्री तक। ये हो गया ईस्ट, और इस तरफ हो गया वेस्ट। ये मेरिडियन का हम लोग नंबर लिख दिए डिग्री। इसके बाद पैरेलल के लिए लिखेंगे, ये पैरेलल तो देख रहे हैं, ये 0 डिग्री का, ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 75, और ये 90 डिग्री पॉइंट। तो दोस्तों, ये पोलार जेनिटल हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन का ग्रेटिकुल बन गया। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।